व्हाट्सअप गाइस, तो स्वागत है आपका एक और गेम प्ले वीडियो में। आज हम वापस से खेलने वाले हैं GTA 5। तो भाई पहली वीडियो में आपको याद होगा कि लेस्टर के लिए हमने भाई वेपन चुरा लिए थे और भाई गार्ड्स को मार दिया था, पर भाई वहां पे पुलिस बहुत सारी आ चुकी थी, लेकिन हम पुलिस को चकमा देते हुए जैसे तैसे भाई वेपन्स उड़ा लाए थे अकेले वो भी। और अभी हम लेस्टर के पास जाने वाले हैं और भाई आगे का प्लान उससे पूछते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं लेस्टर के पास। तो भाई हम आ चुके हैं लेस्टर के पास अंदर भाई, पर लेस्टर तो भाई कुछ नहीं बोल रहा है अंदर, माइकल को समझा रहा है शायद, मुझे लग रहा है आज प्लान लेस्टर की जगह पर माइकल ही बता रहा है कुछ। तो ठीक हो गया, प्लान हमारे समझ में आ चुका है। मतलब हमें भाई ज्वेलरी शॉप लूट के लानी है एक, और भाई फ्रैंकलिन जो है आ चुका है माइकल के पीछे। ठीक हो गया, फ्रैंकलिन बोल रहा है कि माइकल भाई तू बगल पर बैठ, मैं ड्राइव करूँगा, फ्रैंकलिन गाड़ी चलाएगा। और ये सब भाई दो बंदे और आ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, ये गन्स वंस ले गए भाई, डराने का काम करेंगे। तो यार ज्वेलरी शॉप में भाई लोग भी होंगे, गार्ड्स भी होंगे ही बाहर, सीधी सी बात है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। लेकिन पर भाई हम फुल प्लान के साथ जा रहे हैं, मतलब लूट के तो लानी है भाई। ठीक है भाई, फ्रैंकलिन कुछ बोल रहा था। ठीक हो गया, हम अपनी वैन को भाई बैक करके लगा दिया है, और भाई माइकल उतर चुका है सबसे पहले गाड़ी से। ओके, माइकल ने सारा दे दिया और भाई दोनों लोग पीछे से आ चुके हैं। अब फ्रैंकलिन भाई पीछे आ रहा है, ओ भाई घुस चुके हैं अंदर। और ठीक हो गया, माइकल भाई गुस्से में बोल रहा सबसे कि भाई बैठ जाओ नीचे, भून दूंगा वरना गोलियों से, भाई सब बैठ जाओ, लोग डर चुके हैं। और हमारे पास भाई एक मिनट से भी कम टाइम है, एक मिनट से पहले हमने भाई सारी ज्वेलरी लूटनी है और भाई निकल जाना है यहाँ से, वरना पुलिस भाई सीधे गेट पे आके हमें ठोक डालेगी। तो भाई टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी लूटना है सब, ज्वेलरी वेलरी जल्दी लूट लो। तो भाई टाइम ख़त्म हो रहा है, जल्दी कर ले भाई। तो भाई हो गया, हमने लूट लिया सब कुछ, और अब हमें भाई बिना देरी किए यहाँ से निकलना है। ये गार्ड ज़्यादा बोल रहा है, इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। चल भाई किनारे हो जा। भाई वो देख कैसे रहा मुझे। गुस्से से भाई कुछ कर नहीं पा रहा, भाई गुस्से से देख रहा। तो भाई पुलिस लग चुकी है पीछे और अब हम भाई निकलने वाले हैं यहाँ से। मैप में दिख रही है भाई पूरी पुलिस लग चुकी है, बहुत क्लोज से निकल रही है। ओ जंप, ठीक, टनल, ओ भाई सीक्रेट टनल। तो भाई पिछले गेम में आपको याद होगा यार, ऐसी टनल में जाके हम बच पाए थे, उसी रिवर पर ये टनल जा रही है, तो शायद मुझे लग रहा है अब हम बच जाएंगे, क्योंकि भाई पिछले गेम में सेम सिचुएशन में फंसे हुए थे हम, और उसी रिवर से भाई हम बच गए थे, तो शायद इसमें भी बच जाएं। भाई टनल बहुत लंबी है यार, मैंने सोचा नहीं था इतनी लंबी होगी, मुझे लगा थोड़ी सी होगी टनल। अंदर रेलवे ट्रैक है भाई, पानी वानी भरा हुआ है, मतलब यार अप्स एंड डाउन भी है, मतलब बहुत लंबी टनल है यार, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। और अंधेरा सा भी है कहीं कहीं पे, उजाला है भाई, ये तो जेल जैसी लग रही है, कोई अजीब सी जगह है। पर भाई इतने लंबे में मुझे नहीं लगता पुलिस आ पाएगी। अच्छा ठीक है, तो अभी हम सीधे जाने को बोल रहा तो सीधे ही जा रहे हैं भाई। अरे तो भाई ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि एलएस रिवर पे भाई पुलिस वेट कर रही है हमारा, तो भाई हम वहाँ से भी नहीं बच पाएंगे। इसका मतलब पुलिस को पहले ही पता लग चुका है कि भाई हम इस रास्ते से बाहर आने वाले हैं, उसने हमें शायद देख लिया था पीछे। तो भाई बाहर सीधे पुलिस हमारा इंतज़ार कर रही है, तो भाई थोड़ा और मुश्किल हो गया मिशन। ओ भाई ओ अच्छा, तो अभी हमने कैरेक्टर स्विच कर लिया है, अभी तक हम माइकल के कैरेक्टर में थे, अब हम फ्रैंकलिन के कैरेक्टर में आ चुके हैं। ओ जो ये ट्रक चला रहा है, इसमें बीच में कैरेक्टर स्विच हो जाते हैं भाई गेम में। अच्छा तो सब कार वार्स को मैं ऐसे ही फोड़ने वाला हूँ अब भाई, ट्रक से पुलिस। ओ भाई बहुत मुश्किल है भाई, ट्रक चलाना भी घूम जा रहा है एकदम। ये तरीका है कि उनको भाई ट्रक से ठोकते रहो और आइट साइड करते रहो, तो शायद भाई बच के निकल जाएंगे। पीछे से गोलियां चला रही है पुलिस, पुलिस को शायद हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है अब। चलो यहाँ पर रुकने का मार्ग दे रहा है, तो हम यहीं पर रुक जाते हैं। ठीक हो गया, तो अब भाई सारी बाइक्स इसके अंदर कर दी हैं भाई ये, अब भाई पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि पुलिस को पता है भाई जो माल चोरी किया है, मतलब ज्वेलरी चोरी की है भाई, वो तो बाइकर्स ने किया है, पर अब हम तो ट्रक लेके जा रहे हैं, अभी हमें पुलिस से कोई ख़तरा नहीं है। भाई ये रास्ते से याद आ रहा है, इस सेम रास्ते से भाई हम पिछले मिशन में भी बच चुके हैं, और इसी रिवर के किनारे से हमने ऐसी रास्ते से अपनी कार निकाली थी भाई, जिसमें हम हथियार चोरी करके लाए थे, और अभी भाई ज्वेलरी चोरी करके भी सेम रास्ते से निकाल के ला रहे हैं भाई। तो हम पहुंच चुके हैं लेस्टर के पास। तो भाई माइकल खुश होकर बोल रहा है कि भाई
रिटायरमेंट का प्लान कर लिया, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया हमने। तो भाई सारे बंदे खुश हो चुके हैं। अच्छा तो भाई ये मिशन मुझे लगता है पूरा हो गया अब हमने, क्योंकि भाई चोरी पूरी कर ली है और पैसा आ चुका है, तो भाई सारे दोस्त खुश हैं। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और वीडियो के नीचे जो कुछ भी है कर दो भाई। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।